हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू हॉरर गेम। तो आज हम लोग जो गेम खेलने वाले हैं उसका नाम है इविल इनसाइड। लेकिन इस गेम को खेलने से पहले इस गेम के बारे में कुछ चीज़ें जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम लोगों को स्टोरी पता नहीं होगा तो इस गेम को देख के तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो बेसिकली इस गेम का जो मेन कैरेक्टर है उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है, या फिर बोल सकते हो कि किसने उनका मर्डर कर दिया होता है। एंड जो डेड बॉडी होती है वो उसी घर के बाहर एक कुएं के अंदर मिलती है पुलिस को। एंड पुलिस को शक आता है उनके पति के ऊपर। एंड ऑब्वियसली पुलिस का जब शक आता है तो इंटरोगेट करने के लिए उनको पकड़ के पुलिस स्टेशन ले लिया जाता है एंड जेल में डाल दिया जाता है। बट मेन कैरेक्टर को ये बात कुछ हजम नहीं होती एंड वो एक्सपीरियंस रिचुअल बैठाता है ताकि वो अपनी मरी हुई मम्मी की आत्मा को बुला सके एंड उससे पूछ सके कि असली कातिल कौन है। लेकिन मेन कैरेक्टर को इन रिचुअल्स की प्रोसेस एंड कॉशंस के बारे में कुछ पता नहीं होता, जिस वजह से वो कर बैठता है एक छोटी सी गलती एंड जिसकी वजह से रिचुअल भंग हो जाता है। एंड जिस चीज़ से वो रिचुअल कर रहा था वो टूट जाता है। अभी उस मम्मी की जो आत्मा है वो उसी घर के अंदर भटक रही है। बेसिकली उसके फैमिली मेंबर्स थे, उसके मम्मी, उसके पापा एंड उसका छोटा सा नन्ना सा भाई। ओके गाइस, तो बेसिकली हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ओजा बोर्ड की मदद से हम लोग अपने मम्मी के साथ कांटेक्ट कर पाए, लेकिन वो अभी हो नहीं पाया जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि ओजा बोर्ड टूट चुका है। माय मॉम इज डेड, यस, माय फादर इन प्रिजन एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय लिटिल ब्रदर, यस। ये क्या चीज है? आई डोंट नो नाउ। ओके इजी गाइस, मेरे को कुछ पता नहीं है कि एक्चुअली मैं इधर पे करने का क्या है। ओके लेट्स गो। ये क्या है? ओके आई थिंक ये किचन है। नाइस, जैकी, ओके, जो हम लोग का जो लिटिल ब्रदर है उसका नाम है जैकी एंड अभी हम लोगों को उसको रेस्क्यू करना है एंड देखने है कि वो है किधर पे, उसको भी लोकेट करना है। What the hell? ओके, बेसमेंट का जो दरवाज़ा है वो भी खुल चुका है मेरे लिए। आई डोंट नो कैसे, बट हाँ दरवाज़ा जो है वो खुल चुका है। ओके ये एक बहुत ही भाई बढ़िया है यार, वैसे तो अच्छा खासा एक बेसमेंट है एंड यहाँ पे कोई रास्ता है नीचे, और भी नीचे आई थिंक बेसमेंट के अंदर जाने का। आई डोंट नो ये कौन सा रास्ता है। ओके गाइस, पीछे का दरवाज़ा है वो बंद हो चुका है। तो बेसिकली मैं ना सेंसिटिविटी चेक करने के लिए बाहर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं नहीं जा पाया। इजी, ओके नाइस गुड। ओके हम लोग घूम फिर के तो उधर ही आ गए। Oh my goodness. Okay. दरवाजा जो है वो फिर से बंद हो चुका है। भाई पहली बारी में जो घुसपम्स आ चुका है ना गाइस, बाप रे, हालांकि वो उतना डराना नहीं था। तो यस गाइस, ये है हम लोग का छोटा भाई। ओके ये क्या हो रहा है? ओके फिर से दरवाज़ा जो है वो खुल चुका है। आई डोंट नो किसके लिए, बट यहाँ पे बहुत ही गंदा हालत होने वाला है मेरा। कभी भी धप्पा आ सकता है, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा चौंकाना रहना होगा। ओके गाइस, तो तब से मैं इधर उधर भटक रहा हूँ एंड सीरियसली मेरे को कोई भी दरवाजे का की नहीं मिल रहा। किसकी घंटी बजी? आई थिंक उधर पे एक टेलीफोन था, आई थिंक उसकी ही घंटी बजी है। लेट्स सी कि क्या होता है अभी के लिए तो। ओके भाई, आई डोंट नो व्हाई बट ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये भी मम्मी की ब्रीदिंग थी। ओके
क्रिस्टियन वो नीचे जा रहे हैं बेसमेंट के अंदर, एंड अब इस दरवाज़ा बंद है। ओके, लाइट फ्लिक कर रही है, यहाँ पे कुछ तो है। पूजा बोर्ड का पीस जो कि बिखर चुका था। ओके गाइस, तो ये मेरे को मिल चुका है, लेट्स गो। ओके गाइस, तो इफ दबाना था, इफ दबाया तो हो गया ये। ओके इजी, अब मेरे को फिर से वापस से इधर से जाना है। तो बेसिकली हम लोग एक लूप के अंदर फंस चुके हैं। नाइस, फिर से नहीं यार। मैं उधर नहीं जाने वाला। माय गॉड भाई, जो जंप स्केयर इसने मेरे को दिया है ना पिछली बार, मैं तो भाई उधर नहीं घुसने वाला फॉर श्योर। इधर से मैं भाग रहा जल्दी से जल्दी। माय गॉड भाई, माय गॉड, मेरी सांसें अटक गई थी यार, मैं हार्ट अटैक से मर भी सकता था। कुछ भी करके मैं बच गया। इधर से निकलना होगा, ये वाला दरवाज़ा भी बंद है। ये क्या चीज़ है? ओके, कुछ कोड वोड वगैरह है, कुछ कोड वोड वगैरह है भाई, ये दबाओ। कुछ कोड वोड वगैरह है राइट। ओके, इसका कोई पासवर्ड तो ज़रूर होगा। रुको, इसका पासवर्ड इधर कहीं पर होना चाहिए, डोर के अंदर, डोर के अंदर, डोर के सोफा के ऊपर, डोर के अंदर। ये रहा, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। रुको रुको गाइस, ओके ओके इजी। ओके, इसको सॉल्व करना है तो हम लोगों को पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा। ओके इजी है गाइस, पहले आता है रेड, रेड का जो सुई है वो जाता है पिंक के अंदर, डार्क पिंक जाता है टू के ऊपर। ओके, डार्क पिंक टू है, फर्स्ट हम लोग का है टू, सेकेंड जाता है ग्रीन, ग्रीन जाता है डार्क ग्रीन जो कि जाता है नाइन के ऊपर। ओके टू नाइन, ओके, एंड थर्ड वाला जाता है येलो, येलो जाता है फाइव के अंदर, एंड लास्ट वाला है डार्क ब्लू, वो जाता है वन के अंदर। ओके टू नाइन फाइव वन, लेट्स गो। ओके इस टू नाइन फाइव वन, लेट्स गो गाइस, लेट्स डू दिस। ये होगा टू, नीचे का होगा, अबे नेक्स्ट हो जा, अबे नेक्स्ट हो जा यार। अरे भाई, इसको नीचे कैसे करते हैं? व्हाट, हो गया हो गया। ओके ये होगा टू नाइन, टू नाइन। ओके ये हो जाएगा फाइव, और जो लास्ट वाला है वो हो जाएगा वन। नाइस, वी नेल्ड इट। ओके, इधर से क्या मिलता है हम लोगों को? ओके की मिली, कोई चाबी की मिली, आई डोंट नो किसकी चाबी है ये, नहीं इसकी तो बिल्कुल नहीं है। ओके पीछे की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ बहुत सारे दरवाजे हैं, कोई तो हो सकता है उसका, इसका, हाँ इसका है, इसका है, इसका। ओह शिट, ये ऊपर जाने के लिए कुछ का रास्ता है, ऊपर में कोई तो है गाइस, मेरे को लग रहा है ऊपर कोई है। पैरों का साउंड मिला, मैं जल्दी से इधर से भाग रहा हूँ गाइस, आई डोंट नो मेरे साथ क्या होने वाला है। इधर पे ही था मेरी मम्मी। ओके, सामने बेसमेंट जाने का रास्ता, और कोई भी दरवाज़ा अभी के लिए खुला नहीं है। ओके फाइन, लेट्स गो। फिर से हम लोग बेसमेंट आ गए भाई, ये पूरा घर एक लूप के अंदर फंस चुका है। एंड फिर से वो फ्लिक वाली लाइट, एंड उसके पास फिर से और एक पूजा बोर्ड का पीस जिसके अंदर सूरज बना हुआ है। ओके, इसका मतलब अभी बहुत सारे पीस हम लोगों को कलेक्ट करना रह गया है। आई डोंट नो ये गेम कितना देर तक चलने वाला है, बट भाई जितना भी चलेगा ना भाई, जंप स्केयर्स बहुत ही गंदा वाला देने वाला है ये तो। ओके भाई, जो होना है हो जा प्लीज़, ज़्यादा जंप स्केयर नहीं चाहिए। ओके गाइस, तो ये था एक इविल इनसाइड का जो प्रोटोटाइप, ये वही था, और इसका जो फुल गेम है वो हम लोग किसी और दिन खेलने वाले हैं और किसी वीडियो में। तो अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। फिर मिलता हूँ और एक न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।